साथ हैं। आज संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। लघु वेतन कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष का हुआ भव्य स्वागत। महेंद्र शर्मा का लोक शिक्षक संचालनालय परिवार के लोगों ने भव्य स्वागत किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द खबरदार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवम कुशवाहा। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के नव नियुक्त प्रांत अध्यक्ष महेंद्र शर्मा के निर्वाचित होने पर लोक शिक्षण संचालनालय परिवार के सभी साथियों ने मुख्य गेट पर स्वागत किया। इसमें सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर महेंद्र शर्मा ने सभी को भरोसा दिया कि जब भी आप किसी प्रकार का आंदोलन करेंगे, ज्ञापन देंगे, कर्मचारी हितों का काम करेंगे, हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ का निर्वाचन 7 जनवरी 2023-24 को सीहोर में संपन्न हुआ और मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ एक ऐसा संगठन है जिसका एक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत चुनाव होते हैं। पहले चुनाव भी हुए, 3 बार मैं फाइट करके चुनाव जीता, ये तमाम सभी लोगों को मालूम है। इस बार चूंकि कोई नामांकन नहीं डाला और निर्विरोध निर्वाचन हुआ, और मैं आपको बताना चाहूँगा जो एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है मुझे, हमने पहले भी विभिन्न माध्यमों से सरकार से लड़ाई लड़ी है, अकेले भी लड़ाई है और संगठन को लेकर अपन ने लड़ाई लड़ी है, उसमें कहीं ना कहीं सुधार हुआ है, मांगे भी पूरी हुई है। जहाँ तक हमारे लोक शिक्षण परिवार की बात है, मैं इसी विभाग का कर्मचारी हूँ। हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, मोहम्मद ताहिर साहब हैं, अशोक बेन साहब हैं, सुरेश बाथम जी हैं, तमाम हमारे साथी सोम कुमार जी हैं, सतीश भाई हैं, ये हमेशा बड़े जाबाज साथी हैं। जो शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, तो ये केवल DPI तक काम नहीं होता, पूरे प्रदेश में संगठन जो काम करता है और यहाँ पर जो भी लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी और पूरे प्रदेश में अन्य संगठनों के माध्यम से सरकार से जो हमारा काम होगा, विभिन्न तरीकों से ज्ञापन आंदोलन प्रदर्शन के माध्यम चढ़ेंगे और उनकी आगे जो काम बात रह गई है उसको पूरी करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मैं महेंद्र शर्मा, प्रांताध्यक्ष, मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी। चौथी बार महेंद्र शर्मा जी नवनिर्वाचित अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं, आज उन्हीं के उपलक्ष्य में आज एक स्वागत कार्यक्रम रखा गया था DPI में, किस तरह का स्वागत कार्यक्रम था, क्या संदेश रहेगा? श्री महेंद्र शर्मा जी हमारे अग्रज हैं, हमारे भाई हैं, निश्चित ही हमारे लिए बड़े संचालनालय के लिए गौरव की बात है कि महेंद्र शर्मा जी चौथी बार निर्विरोध प्रांत अध्यक्ष चुने गए हैं। ये अपने आप में बहुत ही गौरवान्वित करने की बात है। आज हमने उनका अपने तन मन धन से बिल्कुल दिल से उन लोगों का स्वागत किया, सभी महिला कर्मचारी और पुरुष कर्मचारियों ने, और हमारी उनको ये शुभकामनाएं हैं कि वो इसी तरह से निरंतर लघु वेतन का सहयोग और कर्मचारियों का सहयोग करते रहें। तो आज निश्चित ही हमने उनको बड़ा दिल से उनका स्वागत किया है कि वो चौथी बार जो निर्वाचित हुए हैं उसके संबंध में। अध्यक्ष बनने के बाद कर्मचारियों में काफ़ी उत्साह है और रोज देखने को मिल रहा है, क्या संदेश देंगे आप और किस प्रकार क्या है? देखिए, निश्चित तौर पे महेंद्र शर्मा जी ने जिस तरह से अपनी कार्यशैली लघु वेतन कर्मचारी संघ के लिए रखा है, निर्विरोध चुना जाना एक बहुत बड़ी बात होती है और हमारे संचालनालय के लिए बहुत गौरव का विषय है कि हमारे बीच से हमारा साथी चौथी बार लघु वेतन कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष बने हैं। ये उनकी कार्यशैली, उनकी क्षमता बताता है कि वो किस तरह से अपने कर्मचारियों के बीच काम कर रहे हैं और जिस तरह से लोगों ने उनको निर्विरोध चुना है, संचालनालय परिवार उनको बधाई देता है और बहुत गौरवान्वित महसूस करता है। महेंद्र शर्मा ने कहा कि हमारे सामने कई चुनौतियाँ हैं, जैसे पदोन्नति रुकी हुई है, अभी 4% महंगाई भत्ता की सरकार ने घोषणा नहीं की है, 45,000 स्थायी कर्मियों को नियमित किया जाना है। तमाम बातों को लेकर हम सरकार से संवाद करेंगे और संवाद के माध्यम से शीघ्र ही मांगों का निराकरण करवाएंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से लोक शिक्षण संचालनालय विभाग की समिति के अध्यक्ष मोहम्मद ताहिर खान के संभागीय महामंत्री अशोक बैन, लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सतीश सोम कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष प्रमोद शर्मा के साथ साथ लघु वेतन के जिला अध्यक्ष राम कुंडल सेना, कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर भार्गव एवं महेंद्र सिंह बघेल उपस्थित रहे। भोपाल से हमारे रिपोर्टर आशीष द्विवेदी की रिपोर्ट, देखते रहें द खबरदार न्यूज़।